राहुल गांधी जी आज यहाँ से श्रीनगर के लिए क्रूज कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट रहेंगे और कितना बलबला है लोगों में उसको मिलने के लिए? बलबला तो आप यहाँ दाएं बाएं देख सकते हैं, सुबह 7 बजे से लोग यहाँ जमा हो रहे हैं और बड़े शौक से और बड़े दिलचस्पी से ये खुद यहाँ आए हैं सुबह से, और अभी आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ जमा हो गए हैं, आगे कितने लोग हैं, पीछे कितने लोग हैं, दाएं बाएं आप देखते हैं। सिक्योरिटी का भी अच्छा इंतज़ाम है यहाँ, जो देखने में लग रहा है काफ़ी तारीफ है, अच्छा किया है ना, अच्छा अरेंजमेंट से। तो बस राहुल जी आएंगे तो चलेंगे फिर यहाँ से, क्यों नहीं, राहुल जी तो हर एक को मिलते हैं, हर एक से मिलते हैं, जो भी इसमें यात्रा में है उसके साथ सबके साथ मिल रहे हैं, इसीलिए इसी को तो भारत जोड़ो कहते हैं। सबके साथ बात करेंगे, जो भी बात करना चाहे कर सकते हैं, चल सकते हैं। इंदौर से गोपाल यादव हूँ। यादव जी इस टाइम बहाने हाल में करीबन अभी जो भारत यात्रा जो शुरू होने वाले हैं इसके मतलब बताइए आप। ये हम भारत जोड़ो यात्रा जो अभी 2 दिन पे 26 जनवरी के बाद जो हमारे राहुल जी ने यात्रा को विश्राम दिया था, अब आज से वापस बनिहाल से वापस 0°C पे यात्रा वापस स्टार्ट होने जा रही है। आपको लगता है कि वो यात्रा करने से थोड़ा बहुत लोगों में वो मतलब खुशी की लहर दौड़ जाएगी? ये जो आज जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जो एक एक व्यक्ति को दूर अपने अपने लोगों से अपने को दूर किया जा रहा है, उसी उद्देश्य को लेकर राहुल जी ने भाईचारा निभाने के लिए, एक दूसरे को मिलाने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। सर ये पता है मध्य प्रदेश से यहाँ पे आए हैं राहुल जी की जो यात्रा आपने वो टीवी में देखा होगा, चलो मुझे यहाँ पे आप एक अलग सा एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए वो। यहाँ पे हमने ये देखा है कि यहाँ का जो जनमानुष है वो खुद हमको रास्ते भर हमने देखते हुए आए हैं कि जनमानुष को ऐसे लग रहा है कि राहुल जी हमारे लिए आए हैं और हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, जो आज तक हमारे लिए जो यहाँ की सरकारों ने या आज केंद्र की सरकार ने जो हमारे लिए नहीं किया है वो हम कुछ करके यानी हमारे बच्चों के लिए नई दिशा देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।